नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि व्यायाम करने से कितने फायदे हैं। जी हाँ, आप अगर पूरे दिन में सवेरे सवेरे फ्रेश उठकर 15 मिनट भी अगर आप व्यायाम करते हैं तो पूरे दिन आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। आप खुले मन से और बिना तनाव के काम कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर हो। व्यायाम करने से आपकी कैलोरी घटेगी, जो फालतू कैलोरीज है वो आपकी घटेगी और शरीर में जो बिना मतलब का फैट जमा है या चर्बी जमा है उसे कम करने में ये बहुत ही सरल उपाय है कि आप व्यायाम करें, थोड़ा सा जॉगिंग करें, थोड़ा सा दौड़ें, थोड़ा सा हाथ पांव को हिलाएं और कपाल भाती कीजिएगा, अनुलोम विलोम कीजिएगा, ये इस तरह की चीजें जो आपके शरीर को स्वस्थ करती हैं। हाथों को हिलाइएगा, गर्दन को हिलाइएगा, जिससे आपके अंदर का जमा जो फैट है वो कम हो सके। इससे क्या होगा कि शरीर का जो दौरा है वो प्रॉपरली चलेगा और उससे रक्तचाप से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे आपको बचाव मिलेगा, दिल आपका स्वस्थ रहेगा और आपकी सेहत जो है वो सुधरी रहेगी, बढ़िया रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, आपको रोगों से लड़ने की हिम्मत आपके शरीर में ज्यादा बनेगी। आपको जुकाम, सिर दर्द, खांसी, बुखार, थकान, ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं अक्सर इंसान को तंग करती हैं रोजमर्रा के उसमें, उससे आपको बचाव होगा। आपका सबसे बड़ी बात यह कि आपका पूरा दिन बहुत ताजगी भरा रहेगा और नियमित अगर आप व्यायाम करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि तनाव आपके यहाँ से भाग जाता है, आपके जीवन में जीने की एक ललक पैदा होगी, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आप चुस्त रहेंगे और आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे जैसे आपके जीवन में किसी ने बहुत बड़ी एनर्जी भर दी है, क्योंकि जब आप सवेरे उठते हैं तो सूर्य के नमस्कार होते हैं, सूर्य के दर्शन होते हैं, उसके नमस्कार के बाद आप ये देखिएगा कि आपको जो एनर्जी मिलती है, आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं तो ऑक्सीजन होती है, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उन पेड़ों की ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में जाती है तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, तनाव रहित महसूस करते हैं। और कम से कम कोशिश हो 2 से 2.5 किलोमीटर आप जरूर चलें, कैसे भी चलें। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी को ऐसी जगह खड़ी करें जो 2 से 2.5 किलोमीटर दूर हो, वहां तक आप पैदल जाकर उस गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जाएं। देखिए, जितना चलेंगे तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। गाड़ियों में सफर करना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा सफर करने से भी आपको फैट बढ़ जाता है, आपके खाने की डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और उससे तनाव बढ़ता है, उससे स्थितियां खराब होती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हमेशा व्यायाम करें और अपने आप को खुश रखें। बस यही हमारी मनोकामना है आपसे और यही कामना हम करते हैं आपसे कि आपकी मनोकामना हमेशा पूर्ण हो और हमारी कामना पूर्ण हो कि आप तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और अपनी टिप्पणियां हमें करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।